के शेड्स मौजूद हैं और यूरोपियन कलर्स में ब्लॉन्ड के शेड्स अवेलेबल हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एशियन में ब्राउन के कौन कौन से शेड्स हैं और यूरोपियन में ब्लॉन्ड के कौन कौन से शेड्स हैं। सबसे पहले एशियन से स्टार्ट कर लेते हैं। वन में है डार्क ब्लैक, थर्ड पे है डार्क ब्राउन, फोर्थ पे है मीडियम ब्राउन, फिफ्थ पे है लाइट ब्राउन। उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं यूरोपियन शेड्स यानी कि ब्लॉन्ड के कलर्स। तो सिक्स्थ पे है डार्क ब्लॉन्ड, सेवन्थ पे है मीडियम ब्लॉन्ड, एट्थ पे है लाइट ब्लॉन्ड, नाइन में है वेरी लाइट ब्लॉन्ड और टेन में है लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। तो ये तो हो गए यूरोपियन और एशियन कलर्स। फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बताते चलूं, वो ये कि एशियन हेयर्स के पिगमेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मींस अगर इन्हें कट डाउन किया जाए तो इसमें डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं वो नजर आने लगते हैं। मींस अगर आपके क्लाइंट के हेयर्स डार्क ब्लैक हैं तो कट डाउन के बाद रेड पिगमेंट नजर आने लगता है, और अगर आपके क्लाइंट के हेयर्स डार्क ब्राउन है तो कट डाउन के बाद ऑरेंज पिगमेंट नजर आने लगता है। अगर आपके क्लाइंट के हेयर्स मीडियम ब्राउन है मींस फोर लेवल के हैं तो कट डाउन के बाद येलो पिगमेंट नजर आने लगता है। मींस एशियन कलर्स को हैंडल करना मुश्किल है। इसके बरक्स जो यूरोपियन हेयर्स हैं उन पर जो है पिगमेंट जाहिर नहीं होते, इसलिए इन पर वर्क करना बहुत ज्यादा इजी होता है। थोड़ी सी मेहनत से ही हम अपना मतलूबा रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। इसके बरक्स एशियन हेयर्स पर इतने स्ट्रॉन्ग पिगमेंट्स को खत्म करना मुश्किल हो जाता है, और हमारे शेड कार्ड में पिगमेंट कलर्स को वाज़ेह तौर पर मेंशन किया गया है ताकि हम अपने हेयर्स पर आने वाले स्ट्रॉन्ग पिगमेंट्स को न्यूट्रलाइज कर सकें। तो आइए अब हम पिगमेंट कलर्स को देख लेते हैं। गाइज ये है पिगमेंट कलर्स, ये वो कलर्स हैं जो एशियन हेयर्स पर कट डाउन के बाद आ जाते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको पहले एक कलर व्हील के जरिए ये सब कुछ समझा चुकी हूँ कि कौन सा कलर किस कलर को न्यूट्रलाइज करता है। आई होप सो कि आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी, लेकिन अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं एक दफा फिर बता देती हूँ कि कौन सा कलर किस कलर को न्यूट्रलाइज करता है। ये है गाइज वो कलर व्हील जिसके जरिए मैंने आपको समझाया था कि कौन सा कलर किस कलर को न्यूट्रलाइज करता है। इस कलर व्हील में अगर देखा जाए तो मैंने आपको इन थ्री कलर्स की एग्जांपल दी थी कि एशियन कलर्स में कट डाउन के बाद रेड, ऑरेंज और येलो पिगमेंट जाहिर होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके हेयर में या क्लाइंट के हेयर में कट डाउन के बाद रेड पिगमेंट जाहिर होता है तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको ग्रीन कलर ट्यूब यूज करना होगी। इसी तरह अगर आपके क्लाइंट के हेयर्स पर कट डाउन के बाद ऑरेंज पिगमेंट जाहिर होता है तो ब्लू कलर।
gently wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight eyes. You whip up my appetite. Don't leave me alone. Some kind of a